हमको जो व्यक्ति एक गाली देगा तो हम प्योर भोजपुरिया हैं, हम छपरिया नहीं हैं, हम छपरिया ना हैं आना हम समझिए कि गोपालगंज है, हम प्योर भोजपुरिया। एक सांस में हम यदि हम पर एक शब्द अशब्द बोलेगा तो हम 500 एक शब्द हम लालू यादव के घर से लेकर आप परिवार से लेकर सारा चीज हम जानते हैं, खोल देंगे पुर्जा, होश में हो जाओगे, रोड पर चल नहीं पाओगे। होश में आ जस तेजस्वी यादव ना तो उनका सारा बखिया उखाड़ कर रख दे और सड़क पर चलल मुश्किल कर दे। गौर लगातार स्वागत बरुआ लोग से न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। ये जो ना बात अभी कहनी है, ये बात चुनाव के अंतिम दौर में जब दो चरण के चुनाव बाचल बड़ुए तब तेजस्वी यादव के करारा जवाब मिलल बा उनके स्वजातीय विधायक से। बहुत समय तक लालू प्रसाद और बिहार के राजनीति के बहुत नज़दीक से देखे वाला पहलवान हवे जौन जिनका के राजनीतिक के पहलवान कहा जाला और खास करके शाहबाद के धरती से ये हमेशा ताल ठोकले बड़े। अब कहली जदयू से वो टिकट ले रहे हैं और जदयू से 2015 के विधानसभा में डुमराव से जीत के आए बाद अब एनडीए में जदयू जब से बढ़ुए तब से लगातार वो बक्सर में टिकल बड़न और बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे के प्रचार के कमान संभालने बड़न। खुल करके आज प्रेस वार्ता बुला करके और तेजस्वी यादव पर हमला कैले है। तेजस्वी यादव पर हमला करके वो जम करके बखिया उखड़े हैं और कहले हैं कि हमरा सामने ज़्यादा एही टेढ़ी करे के जरूरत नहीं है, हम एक एक चीज़ जानता नहीं, अगर हम मुँह खोलब तो रोड पर सब कुछ खुल के सामने आ जाए और खुल के सामने ही ना आई रोड पर चलल मुश्किल हो जाए। ओकरा बाद वो पूरा ताव दिले है ददल पहलवान अपना मुखर अभिव्यक्ति खातिर जानल जाले और खास करके जेकरा साथे रहले ओकरा संगे तो खूब जम के रहले, जेकरा विरोध में रहले ओकर एक भी कर्म बाकी ना छोड़े, एकरा मतलब कि वो जम करके दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभा ले। प्रेस वार्ता में काका कहले हैं रुआ सुन ली पहले। तेजस्वी जो बने बनाए बाप के जेल जाने के बाद ही पैंतरा मार रहा है कि हम मुख्यमंत्री हो गए, हम लोग बोलते नहीं, हम तो शांत थे, लेकिन यहाँ किला के मैदान में कहा कि वोट कटवा से सावधान रहिएगा, लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, हम कहे कि चलो अब की बर्दाश्त कर जाना है, ये बोल दिया ना समझदार लेकर है। जब उसका पिताजी जेल में है वो जब यहाँ घूमते थे तभी अशब्द बात नहीं बोलते थे। उसके बाद जानिए कि डुमराव में परसों प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी बोल दिया कि वोट कटवा से आप लोग सावधान रहिएगा। जब हम लड़ी नहीं रहे हैं तो ये हमारा समझिए कि हमारा जो 185,000 वोटर है उसको भी अपमानित करता है, गाली देता है, हमको भी दिया, इसलिए हम आपको प्रेस को इसीलिए बुलाए कि तेजस्वी को अवकात में रहने के लिए हम चेतावनी देते हैं। यदि तुम्हारे पिताजी से हम लड़कर 125 सीट ले तुमको ले आ दिए 42 पर, तुम कौना गली में बोलने के लिए, इसको सहूर सीखना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए, पढ़ा लिखा तो इतना है नहीं। हम तो राजनीति में आए तो मास्टर से राजनीति में आए, उससे बेटा हमारा पढ़ा है, उससे बढ़िया बेटा हमारा बोल भी लेगा। एक लालू यादव के नाम पर तू वोट राजनीति कर रहे हो, वोट मांग रहे हो। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि लालू यादव, बताइए लालू यादव को शिवानंद तिवारी जी जेल में केस करने का काम किए, लालू यादव शिवानंद तिवारी के केस करने के बाद लालू यादव ही सीबीआई को भेजे केस जांच में कि इस केस को सीबीआई जांच करे, और सीबीआई जब जांच करने लगा तो लालू यादव पर पशुपालन घोटाला का चार्ज लग गया, और चार्ज लग जाने के बाद इन्हीं के बनाया हुआ देवगोड़ा इनको जेल भेजे, इन्हीं को बनाया हुआ प्रधानमंत्री देवगोड़ा। सर आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है? अब तो आपको नहीं बुझा रहा है। अच्छा अभी आप बताइए कहाँ आप नीतीश कुमार के रहते हुए आरक्षण कैसे कोई खत्म, संविधान कैसे खत्म हो जाएगा इस धरती पर जब नीतीश कुमार जैसे लोग नेता रहेंगे तब तक? तो ये जनता को गुमराह कर रहा है।
तेजस्वी को पढ़ने की जरूरत आपको है। आपको नहीं बुझा रहा है जब आपका बाप सीबीआई केस में भेजे सीबीआई जांच करने के लिए एफआईआर शिवानंद तिवारी जो किए आपका बनाया हुआ लालू यादव को प्रधानमंत्री देवगौड़ा जेल भेजे इसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का क्या दोष है बताइए मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए इसको तो हम चेतावनी देते हैं कि आज से ऐसा बात तुम्हारा बराबर तुम्हारा पिताजी जब जेल में लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर थे तो जब जब हम चुनाव लड़े हैं हमारा क्षेत्र में रेकर्ड आप उठा के देख लीजिए हर बार 15 बार लोकसभा में वोट आपका प्रोग्राम दिए हैं। राबड़ी देवी जी भी हमारे क्षेत्र में कई कई बार प्रोग्राम दी जब हम चुनाव लड़ते हैं तभी 6 बार 7 बार प्रोग्राम हो जाता विधानसभा में तभी वहाँ के महान जनता हमको वोट देता है हमको विधायक बनाता है। आ तू मंच पर चल के वोट कटवा कर रहा है शर्म नहीं आता है कि तुम्हारा बाप वोट कटवा के 3-3 बार हमको लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया। आ तू यादव को नेता बनते हो तो यादव के नेता बनते लालू प्रसाद यादव जी यादव के नेता थे यादव के नेता थे उनका जन्म स्थल आपका गोपालगंज में है। लालू जी कभी भी पूरे जिला में विधायक नहीं बना पाए थे पूरे जिला में आज तक जब से राजनीति करते हैं गोपालगंज में कभी 5 विधायक नहीं बना पाए। आपसे जहाँ पर यादवों का गढ़ है यादवों के गढ़ में मेधेपुरा में लालू यादव को हरा दिए आपका आके शरद यादव जी शरद यादव से हार गए उसके बाद बिना राजनीति के बिना जमीन के पाटलिपुत्रा में जहाँ पर 7 लाख यादव का वोट है वहाँ पर भी लालू यादव को कौन हराया जो जिसके पास कोई जमीन नहीं था रंजन यादव वो भी हरा दिया आपको। जैसे कि सुनने कि ददन पहलवान खुल करके तेजस्वी यादव के और उनका परिवार के विरोध में बोलता है एक साथ साथ टेलीफोनिक बातचीत में भी वो एक के बात कहले हा कि जे नीतीश कुमार के पलटू कहते हुए तो बाप और चचा में का अंतर बुड़ुए जब चचा कहते बाड़े और पलटू भी कहते रहे तेरा मतलब कि संस्कार उनकर कहाँ बा काल अपना बाप के भी घोड़ा ले बजवा कह सके ले। एक साथ साथ बड़ी जम करके ददन पहलवान तेजस्वी यादव के चेतावनी दिले हा कि अगर ज़्यादा अखरखन करब तो हम चुप ना रह छपरहिया ना ही गोपालगंज के ना ही हम पक्का खांटी भोजपुरिया हैं और हम सब जानी ले। अब चुनाव अंतिम दौर में बा और अंतिम दौर में अभी देखी कितना बैरियर टूटेला जहां एक तरफ राबड़ी देवी तेजस्वी यादव हर बैरियर के तोड़ा तारण मीसा भारती हर बैरियर के तोड़ा तारी प्रधानमंत्री के तरफ से भी बात आ रहा बा कि कई तरह के बैरियर तोड़ रहा बा अब तो यहाँ तक ले बात आ गई कि गड़ल मुर्दा तक उखाड़े लागल बा लोग। एक मतलब बा कि 2019 के चुनाव में तासीर और गर्मी काफ़ी बढ़ गई बा एक गर्मी में ददन पहलवान अब क्या अश्विनी बाबा के साथे जी हाँ अश्विनी बाबा लोग बक्सर में कहला उनका के अश्विनी कुमार चौबे नाम है और बक्सर से दोबारा उनका उम्मीदवारी मिलल बुड़ुए केंद्र सरकार में मंत्री भी बाड़े और फिर से वो ताल ठोकले बाड़े बक्सर के देश के दुनिया के सबसे बढ़िया शहर बनावे खातिर उनका साथे अब कैली जो पिछला हाली जम करके उनका विरोध कैले रहन ददन पहलवान और मुख्य प्रत्याशी के लगभग वोट ले आई रहन वो ताल ठोकता रहे कि हमरा साथे पूरा यादव समाज बुड़ुए अखरखन मत करो लोग अब कैली खोल करके वो अश्विनी चौबे के साथ आ गए बाड़े और देखी कि चुनाव परिणाम में ददन पहलवान के जो चैलेंज बुड़ुए वो कितना 23 तारीख के वोट में तब्दील होके आवत रहे पलटू राम चाचा बाप एक के समान होता है ना चाचा और बाप में क्या अंतर है खातिर में कि चाचा पलटू राम हो गए घोटाला राम हो गए बापू घोटाला राम हो गए पलटू राम हो गए तो बापू घोटाला राम हो गए। जुड़े रहें समय न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ हर खबर से रुवा लोग के जोड़े के जैसा वादा हमने के बढ़ुए वैसे ही हमने के पूरा भी करे के तैयार बनी जा बस रुवा लोग के आशीर्वाद चाहिए और चाहिए का तो सब्सक्राइब वाला बटन चाहिए ना दाम चाहिए ना पैसा चाहिए कुछ ना चाहिए रुवा लोग के प्यार चाहिए स्नेह चाहिए और वो बटन बढ़ुए सब्सक्राइब वाला करके दबा दी सब है आप बगल में घंटी दबा दे तो मुफ्त में सेतिया में एको पैसा बिना खर्चा कर लिए रुवा लोग के सारा खबर यही मिल जाए और वो भी टुई से घंटी बाजी और रुवा लोग के सारा खबर
स्वतः प्राप्त हो जाई। फिर थोड़ी देर में मिला था नहीं, गोर लगा था नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।